वो लगातार जारी है, बीते कई दिनों से आप निरंतर पूरी आपकी टीम्स मेहनत कर रही हैं, अभी क्या करंट स्टेटस है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 वुल्व्स हम पकड़ चुके हैं और आज इनफैक्ट आज वो दिखाई दिए थे, लोकेट भी हुए, उनको घेरा भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो एस्केप कर गए। लेकिन अभी भी हमारे जो थर्मल ड्रोन्स हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आज शाम तक हम उन्हें पकड़ने में सफल हो जाएंगे। वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट। तो मतलब एक ये बहुत होप वाली बात है, क्योंकि जो 2 दिन से अभी ट्रैक नहीं हो पा रहे थे आज उनको सुबह देख लिया गया है, तो आज मतलब चांसेस काफी नहीं, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पूरी टीम्स लगी हुई हैं, हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि आज वो पकड़े जाए। यहाँ पे अगर टीम्स की डिप्लॉयमेंट की बात करी जाए तो कितने टीम्स यहाँ पे नहीं, टीम्स बहुत सारे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, डिफरेंट लेवल पे टीम्स लगी हुई हैं, रेंज लेवल की, डिवीजन लेवल की, इंटर डिविजनल लेवल की, और बाहर से भी DFOs आए हुए हैं जो कि इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, उनके साथ और भी टीम्स लगाई गई हैं। इनफैक्ट मैं आपसे कहूँगी कि सेंट्रल जोन के ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डिविजन्स हैं वहाँ से ऑफिसर्स और वहाँ से स्टाफ आ करके टीम यहाँ पे बनाई गई है। तो टीम्स बहुत सारी लगी हैं, लोग बहुत सारे लगे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से कैंप कर रही हूँ और हमारे कंजर्वेटर साहब साथ में कैंप कर रहे हैं, हमारे DFOs लगे हुए हैं। तो पूरी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो 2 हैं, 2 और वुल्व्स बाकी रह गए उनको हम जल्दी से जल्दी पकड़ लें। जी, थैंक यू।